अवेकन ओएस 2.3 के लेटेस्ट अपडेट के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से फीचर्स न्यू ऐड हुए हैं, परफॉर्मेंस या फिर बैटरी में कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा है। पिछला वाला रिव्यू आपको आई बटन पे मिल जाएगा, लेकिन इस अपडेट में क्या कुछ चेंजेस हुए पोको F1 के लिए बताने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए कौन कौन से चेंजेस हुए हैं इस अपडेट के अंदर। एंड्रॉयड वर्जन 12 है, अवेकन वर्जन 2.3 न्यूविला है और ऑफिशियल बिल्ड है ये। बाकी हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी पैच जनवरी का मिल जाएगा 2022 का। कर्नल इसके अंदर सिल्वर कोर 10.7 है, पिछले बिल्ड में 10.6 था और सिलिनक्स इन्फोर्सिंग था पहले भी। और अब चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आपको यहाँ पे वाईफाई प्लस आउट तो काम कर रहा है, लेकिन वाईफाई के अंदर आपको यहाँ पे वाईफाई टाइम आउट ऐड हुआ है जो कि यहाँ पे वाईफाई प्रेफरेंसेस में मिल जाएगा, तो जो कि 8 आवर तक के लिए मिल जाता था, ये न्यू देखने को मिलने वाला है। और बैक करके चलते हैं कनेक्टेड डिवाइस के अंदर, तो यहाँ पे भी ब्लूटूथ टाइम आउट ऐड कर दिया गया अभी फिलहाल। बाकी कास्ट तो ऐसे काम कर रहा है तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, तो ये चेंजेस मिलने वाला है। वहीं ऐप्स के अंदर में हमारा असिस्टेंट अच्छे से काम कर रहा है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, ये आपका पहले जैसा ही रहने वाला है, तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। नोटिफिकेशन के अंदर चेंजेस हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे अब बैटरी का चार्जिंग जो कि यहाँ पे बैटरी लाइट मिलने वाला है, लो बैटरी लाइट दिया गया यहाँ पे, तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे न्यू मिलने वाले हैं। और बैटरी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं सेटिंग्स के मामले में, लेकिन बैटरी की बात करें तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 68% बैटरी मिली है, जबकि पिछले अपडेट में 58 था। तो बैटरी में इंप्रूवमेंट ज़रूर आपको मिलने वाली, पहले के मुकाबले काफ़ी देखने को मिल जाती है। और फिर यहाँ पे हमारा साउंड हो गया, जिसके अंदर आपको हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं मिलता, ये पूरी की पूरी सेटिंग्स हमें पहली वाली ही देखने को मिलती है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। माई साउंड एनहांसर काम कर रहा है। और डिस्प्ले के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि लॉक स्क्रीन के अंदर अब आपको चार्जिंग इन्फो मिल जाएगा, तो या चार्जिंग इन्फो अब आपको मिलने वाला है। एंड फोर्स स्मॉल क्लॉक मिल जाता है, यानी कि लॉक स्क्रीन के जो क्लॉक है उसको आप स्मॉल एंड बिग कर पाओगे यहाँ से। और ऑलवेज ऑन शो टाइम ये सब पहले से था, ऑलवेज ऑन टाइम एंड इन्फो ये सब पहले से था। बाकी एम्बिएंट म्यूजिक टीकर न्यू ऐड हुआ है और एडवांस के अंदर कोई चेंज नहीं है। बाकी फिर यहाँ पे मीडिया आर्ट एंड विजुलाइजर दोनों ही न्यू ऐड हुए हैं इसके अंदर। मीडिया आर्ट का ब्लर लेवल भी कंट्रोल कर पाओगे, म्यूजिक विजुलाइजर ये दो न्यू ऐड हुए हैं। बाकी फिर यहाँ पे बाहर में आप देखोगे तो हेडलाइन बॉडी फोन्स पहले वाला ही है, आइकन पैक भी पूरी तरीके से सेम है। एंड मोनेट आपको पहले ही मिलता था, इसमें भी कोई चेंज नहीं मिलता। कलर्स भी पहले जैसे है, तो इसके अंदर भी हमें कोई चेंज नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो नीचे फिर डिस्प्ले कस्टमाइजेशन के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले ऊपर तो आपको कोई चेंजेस नहीं मिला यहाँ पे, बैटरी में हो या फिर क्लॉक के सेटिंग्स में हो, इनमें चेंजेस हमें नहीं मिलता है। स्टेटस बार आइटम्स भी आइकन्स भी जो है यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये सब भी पहले जैसे है। लेकिन आपका यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे शो डाटा डिसेबल का जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ये न्यू देखने को मिल जाता है, तो ये एक ऑप्शन न्यू देखने को मिलने वाला है। और फिर नीचे क्विक सेटिंग्स की जो कस्टमाइजेशन दिए गए, पूरा का पूरा सेटिंग्स ही न्यू है। मीडिया प्लेयर हो या फिर ब्राइटनेस स्लाइडर हो, ये दोनों ही यहाँ पे न्यू ऐड हुए हैं। ब्राइटनेस स्लाइडर आपको आगे दिखाई दूंगा। बाकी फिर यहाँ पे नेटवर्क स्पीड ये भी न्यू ऐड हुआ है, जो कि ऑक्सीजन ओएस स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो ये भी न्यू ऐड हुआ है। और इसके नीचे भी अगर आप देखोगे ऑलवेज ऑन वैन चार्जिंग हो या फिर एम्बिएंट एज लाइटिंग हो, ये सभी आपको न्यू मिल जाते हैं यहाँ पे नीचे के जितने भी ऑप्शन थे। और अब चलते हैं यहाँ पे इसके एसेबिलिटी, वैसे तो आपको सेम ही रहेगी, लेकिन सिक्योरिटी के अंदर चल के दिखा दूँ तो ये अभी भी आपको नॉट इनक्रिप्टेड ही आएगा। फिलहाल यहाँ पे अब मैं पैटर्न ऐड कर लेता हूँ, पैटर्न साइज नहीं मिलता इसके अंदर। बाकी फिंगरप्रिंट का जो रिस्पॉन्स हो वो ज़रूर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, मोनेट बेस्ड एनिमेशन मिल जाता है कलर उसका जो एनिमेशन का है। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी की सेटिंग्स में भी आप देखोगे तब आपको यहाँ पे हाइड QoS सिक्योर लॉक स्क्रीन मिल जाता है, डिसेबल पावर मेन्यू मिल जाता है, लॉक स्क्रीन में डिसेबल कर सकते हो पावर मेन्यू को, सिक्योर QoS मिल जाता है, रिक्वायर अनलॉकिंग, ये सारी चीज़ें दी गई है। बाकी पिन वाला आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर भी कुछ न्यू है। बाकी यहाँ पे तो फिंगरप्रिंट एंड पैटर्न काम कर रहा है, डिस्टर्बिंग भी अच्छे से काम कर रहा है। और सिस्टम में जाते तो यहाँ पे लाइव ट्रांसलेट पहले की तरह ही रहेगा। बाकी जेस्चर के अंदर यहाँ पे कुछ न्यू एक ऑप्शन ऐड हुआ, तो एक ही यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है हमारा हैप्टिक फीडबैक। तो अब हैप्टिक फीडबैक को यहाँ पे जेस्चर सेंसिटिविटी सेटिंग्स में ऐड कर दिया गया है। बाकी 3-बटन नेविगेशन या जेस्चर आप कोई भी यूज़ करो, यहाँ दिक्कत ऐसी कोई नहीं आती है, दोनों ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और फिर यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड पावर बटन भी पहले की तरह रहेगा, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट भी पहले की तरह ही है, डिलीट मिल जाता है, कैप्चर मोर भी मिल जाता है। एंड नीचे फिर रिंगिंग है, टॉर्च हो गया, एडवांस रिस्टार्ट इनेबल कर पाओगे। और यहीं पे लास्ट रीओरिएंट ऐड किया गया ये ऑप्शन। अब इससे होता क्या है कि आप अगर लैंडस्केप पे अपने फ़ोन को करते हो, वॉल्यूम डाउन अब प्रेस करोगे तो इससे क्या होगा, इसको इनेबल करने के बाद उल्टा हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम डाउन से प्लस होगा और प्लस वाली से आपका जो है डाउन माइनस होगा, यानी कि ये थोड़ा सा स्वाइप हो जाता है। बाकी आपका अपडेटर मिल जाएगा इसके अंदर।
और फिलहाल तो कोई चेंजेस नहीं है। डेवलपर ऑप्शन से आप जो है हाइड कर सकते हो नॉच को। बाकी आपका गूगल डिस्क बार अच्छे से काम कर रहा है, स्टेटस बार स्मूथ मिल जाता है, हल्का फुल्का लैगिंग रहती है, एनिमेशन लैग हल्का जैसे कि मिल ही रहा है अभी से भी ज़्यादातर में, हल्का काफ़ी लाइट्स है। बाकी इसके टाइल्स के मामले में देखोगे तो AOD न्यू मिल जाएगा और फिर यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं मिलता, बस AOD का जो टाइल था वही न्यू देखने को मिल जाता है। FPS इन्फो काम कर अच्छी तरीके से और इसके अंदर हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ये भी बिल्कुल पहले जैसा ही मिल जाता था, यहाँ पे भी चेंजेस नहीं मिलते थे। टाइल्स में सिर्फ AOD का टाइल्स न्यू मिल जाता है, बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परफॉर्मेंस पहले की तरह बरकरार है, बिल्कुल जैसे कि पहले भी अच्छी मिल जाती थी, कोई लैग नहीं था, काफ़ी लाइट वाले जो लैग वही थे उसी तरीके से है। और ऐप ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पे भी जो है ये बिल्कुल फास्ट ओपन हो रहा है और स्मूथ ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ये भी पहले की तरह है। और सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है नीचे, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाएगा और फिर साइड में क्लियर हो जैसे कि पहले मिलता था। और अब आपको यहाँ पे पिन मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर पिन में भी जो है कुछ ऑप्शन न्यू ऐड किए गए हैं। अगर आप पिन लगाते हो यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर, तो मैं पिन ऐड करके आपको सिक्योरिटी की सेटिंग्स दिखा दूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रैम्बल लेआउट न्यू ऐड किया गया, साथ साथ क्विक अनलॉक, ये दोनों ही ऊपर के ऑप्शन न्यू ऐड किए गए इसके अंदर में। अब स्क्रैम्बल लेआउट काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता, इसको इनेबल करने के बाद अगर आप पिन यूज़ करते हो तो नंबर पोजीशन चेंज हो जाती है, हर बार चेंज होगी जब जब आप अनलॉक करने आओगे, जब तक इनेबल रहेगा। एंड कैमरा आपका सेम पहले वाला ही रहेगा और GCam इसके अंदर अच्छे से काम करता, आप इसका यूज़ कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। और FM भी काम कर रहा है और फिर इसके अंदर हमारा जो गूगल फोटो है इसमें भी फिक्स कर दिया गया है, यानी कि अब आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाएगा, तो आप आराम से अनलिमिटेड फोटोज़ एंड वीडियोज़ को अपलोड कर पाओगे, अनलिमिटेड स्टोरेज ये मिल जाता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैजिक रेजर टूल के जरिए तो उसका वीडियो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड प्ले स्टोर भी इसके अंदर सर्टिफाइड है, यानी कि सेफ्टी नेट बिल्कुल पास है, तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने में दिक्कत नहीं आएगी, विदाउट रूट यूज़ कर सकते हो। एंड लॉन्चर वही पिक्सल लॉन्चर ही देखने को मिलेगा और विजेट्स भी देखोगे तो विजेट्स भी आपको पहले जैसे ही देखने को मिल जाते हैं। 5 क्लॉक की विजेट्स मिलती है, यानी कि एनलॉग वाली क्लॉक ऐड करने पर एक्स्ट्रा क्लॉक फेसेस देखने को इसके अंदर मिल जाएगा। अब बात करें कॉलिंग के बारे में, तो कॉलिंग के अंदर आपका वॉल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल का बग रहेगा, बाकी ब्लूटूथ ऑडियो मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और जैसे कि देख सकते हो वाईफाई कॉलिंग भी बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है इसके अंदर। और एंटूडो स्कोर 4,15,000 हमें मिला इस अपडेट में, पिछले वाले बिल्ड के अंदर 3,59,000 के करीब था, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा बेटर देखने को मिला है। और CPU थ्रोट रेट हमारा इस अपडेट के अंदर 78% मिला है और पिछले अपडेट में चेक नहीं किया था लेकिन यहाँ पे 78 है। और गीगबेंच स्कोर की बात करें तो सिंगल पे 477 है और मल्टी पे 1333 देखने को यहाँ पे स्कोर मिला, ये भी जो है पिछले पे टेस्ट नहीं किया था, इस बार ही टेस्ट किया हूँ। बाकी अगर हम चले इसके ग्राफिक की तरफ तो ग्राफिक वही पहले की तरह स्मूथ पे एक्सट्रीम बैलेंस पे अल्ट्रा HD पे अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा तक मिल जाता है, तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलते हैं हम यहाँ पे। और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस वैसे आपको इसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ही देखने को मिल जाता है, लेकिन पिछले अपडेट के मुकाबले उतना ज़्यादा कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस के मामले में, लेकिन जो चेंजेस हुए हैं वो ज़रूर आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। इतनी चेंजेस जो है काफ़ी है कि यहाँ पे आपको हर जगह थोड़े बहुत चेंजेस मिल जाता है। इसका ब्राइटनेस आइकन देखने को मिल जाएगा, ब्राइटनेस आप जो है ऑटो ब्राइटनेस आइकन को इनेबल डिसेबल कर पाओगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। नेटवर्क स्पीड ऐड किया गया है, वो भी आपका ऑक्सीजन ऑयस स्टाइल में देखने को मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ जो हैं फिलहाल इसके अंदर अब आपको मिलती हैं, जो कि चेंजेस अभी हुए हैं इसके अंदर में, लेकिन परफॉर्मेंस में उतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा है पहले जैसा है। लेकिन हाँ, बैटरी अंप की इंप्रूव हुई इसके अंदर में, पहले सिल्वर कोर का 10.6 था लेकिन अभी फिलहाल 10.7 ऐड किया गया और यहाँ पे बैटरी में फ़र्क देखने को मिला इसके अंदर पिछले अपडेट के मुकाबले। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर में, बाकी तो आपको वीडियो में कम्प्लीट बता ही दिया हूँ क्या कुछ फ़र्क पड़ा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।